सावनेर महसूल विभाग की चैताली दराड़े ने रेती की ओवरलोड 10 ट्रक पकड़कर चालक मालक पर मामला दर्ज करा है। तहसीलदार को सावनेर तालुका के कनान नदी के घाटों पर से अवैध रेती परिवहन की जानकारी प्राप्त होते ही खापा पुलिस स्टेशन अंतर्गत खापा पाटन सावंगी मार्ग पर 29 जनवरी के तड़के 4 से 5 बजे तहसीलदार चैताली दराड़े ने दलबल के साथ दबिश देकर भार क्षमता से अधिक रेत परिवहन कर रहे 10 ट्रकों को पकड़कर उन पर राजस्व विभाग के गौन खनिज उत्खनन एवं परिवहन अंतर्गत मामला दर्ज कर जिलाधिकारी नागपुर तथा अतुल मात्रे उप विभागीय अधिकारी सावनेर एवं नागपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को उक्त घटना की सूचना देकर आगे की कार्यवाही की जाने की जानकारी दी। तो वहीं रेती व्यवसाय से जुड़े उक्त मामले में लिप्त वाहन चालक मालकों का कहना है कि तहसीलदार द्वारा की गई उक्त कार्यवाही जानबूझकर हमारे पास रेती परिवहन का अधिकृत रॉयल्टी तथा अन्य दस्तावेज होने पर भी उक्त कार्रवाई कर हमें परेशान करने की बात कही। ज्ञात हो कि कनान नदी के रेती घाटों पर से अवैध रेती का उत्खनन एवं परिवहन बड़े पैमाने पर बदस्तूर जारी है। 29 जनवरी के तड़के घटित इस मामले को भी देखकर निपटा ने अथा राजनीतिक दबाव के चलते रफा दफा करने की कोशिश बड़े पैमाने पर जारी होने की बात कही जा रही है। हो काल नहीं, आज पहाटे अपन 5 बजे नंतर कार्रवाई के लिए 4:30-5 दरम्यान शिवारातून अपन खापा पोलीस स्टेशन खापा पाटण सावंगी रोड वर आपण सदर गाड्या पकडल्या। त्यांच्याकडे परवाने आहेत पण ते परवान्यापेक्षा अधिकची वाहतूक करत असल्याचं मला आढळून आलेलं। परवाना आहे ना, मी तेच सांगते, परवान्यापेक्षा जास्तीची रेतीची ते वाहतूक करत आहे। परवान्यापेक्षा जास्त रेती वाहतूक करणं म्हणजे ते अवैध रेती ठरत। गुन्ह्याची नोंद केलेली नाही आहे, आम्ही महसूलच्या याच्यात महसूलच्या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करतो आहोत कलमानुसार। सदर कार्यवाही हे माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व माननीय उपविभागीय अधिकारी सावनेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामुळे त्याची त्यांना पण त्यांच्याही तो स्पेशल ड्राईव्ह होता, त्याच्यामुळे त्यांनाही कल्पना देण्यात आलेली आहे। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता की रिपोर्ट।